फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल की तो आ गई हूँ मैं लेकर एक नई रेसिपी बहुत टाइम के बाद तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ईजी आलू की टिक्कियाँ और ये है सारे इसमें यूज़ होने वाले इन्ग्रीडियंट्स बहुत बेसिक सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है इवनिंग स्नैक्स या कभी अचानक आपके यहाँ मेहमान आ गए तो आप ये बनाकर उन्हें दे सकते हो तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है एक बोल जिसमें ये बॉइल्ड पोटेटोज़ चार से पाँच मैं कद्दूकस कर लूँगी जी हाँ कद्दूकस ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कद्दूकस करने से इसको मिक्स करना प्लीज़ इग्नोर माई वियर्ड वॉइस क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है आई स्टिल हैव काफ कोल्ड वीकनेस हाँ तो सबसे पहले तो ये कि मेरे वीडियोस इतने डिले क्यों हो गए वीडियोस इतने डिले हो गए क्योंकि शादी की थकान और सारी चीज़ों के बाद में आई वॉज़ नॉट वेल मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा बुखार वीकनेस सो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ वीक कि मैं बीमार हूँ शूट तो काफ़ी पहले करके रखा था मैंने वीडियोस लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी तो अभी मैं एडिट कर पाई हूँ और फाइनली आज जाकर मैं इसे पूरी तरीके से तैयार कर पा रही हूँ तो यहाँ पर बातों बातों में देखिए मैंने डाल दिया है इसमें नमक लाल मिर्च पाउडर आलू को अच्छी तरीके से मैंने कद्दूकस कर लिया है आप चाहें तो मैशर यूज़ करके भी उसको मैश कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर आपकी आलू की क्वांटिटी के हिसाब से आपको अपनी स्पाइसेस को अपने मसालों को बैलेंस करना है यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर मैंने जो क्वांटिटी मसालों की मेंशन की है वो मेरे जो मैंने आलू लिए हैं उनके हिसाब से है अगर आप ज़्यादा आलू लेते हैं तो आपको मसालों को ज़्यादा करना होगा और अगर आपके आलू कम हैं तो आपको मसाले कम करने होंगे ये गया इसमें चाट मसाला अगर मैं यहाँ पे बोलने में कोई मसाला स्किप कर रही हूँ या मिस कर रही हूँ तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा यहाँ पे नीचे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मसाले आपको लिख कर आ रहे हैं कि कौन सा मसाला डाला है और कितनी क्वांटिटी में यानी कितना स्पून डाला है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सांभार मसाला अंडा मसाला जी हाँ इसमें मैंने यूज़ किया है क्योंकि हर मसाले का अपना एक फ्लेवर होता है अपना एक टेस्ट होता है तो भाई हम तो हर मसाले को यूज़ करते हैं इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी स्पेशली वो नेसेसरी नहीं है कि अगर सांबर का मसाला है तो भाई सांबर में ही जाना चाहिए मैं तो दाल में भी डाल सकती हूँ उसको एक अच्छा सा कुछ डिफरेंट सा फ़्लेवर देने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ये कॉर्नफ्लार मकई का आटा तो सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उन्हें और इस तरीके की गोल या सिलेंड्रिकल जिस तरीके की भी टिक्कियाँ आपको बनानी है आप बना सकते हो बट हाँ क्योंकि ये आलू टिक्की है तो भाई इसे सर्कल ही रहने दें इसे सिलेंड्रिकल ना करें और उसके बाद हम इन्हें डिप कर लेंगे या कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लर से और इन्हें साइड में रख लेंगे फ्राइंग के लिए सारी टिक्किियों को अच्छे से हमने कोट कर लिया है तो यहाँ पे तवा हो चुका है गरम तेल हो चुका है गरम और मैंने अपनी टिक्कियाँ डालना स्टार्ट कर दी है टिक्कियों को हम अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे और आप जब टिक्कियों को गैस पे आई मीन तवे पे डाल रहे हैं तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि तेल गरम है वो उड़ भी सकता है जब आप उस पर टिक्कियाँ डाल रहे हो तो जस्ट बी वेरी केयरफुल और देखो सबसे बड़ी मुशक्क़त थी इन्हें टर्न करना क्योंकि ये थोड़ी सी क्योंकि पोटेटोज़ बॉयल थे बट ऑफ कोर्स बहुत डेलिकेट हो गए हैं तो टिक्कियाँ भी उतनी ही डेलिकेट थी क्योंकि मैंने उसमें कुछ भी आ, एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है ना ब्रेड क्रम्स ना ही कोई आटा बिल्कुल भी नहीं आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी वेरी सिंपल और प्लेन तो मैंने इसीलिए इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे को उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड uh, नहीं करना था कि ये डालो भाई वो डालो ये भी डालो वो भी तो इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक रखा है और बेसिक होने के बावजूद भी ये बहुत टेस्टी और अच्छी बनी थी द स्ट्रगल इज़ रियल बट एनी वेज स्ट्रगल के बाद में जो आउटकम था इसका वो बहुत ही अच्छा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो ऐसी यमी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तो भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और सेकेंड बैच हमारी टिक्कियों का और ये हो गई हमारी टिक्कियाँ रेडी तो आप भी जाइए बनाइए खुद खाइए दूसरों को भी खिलाइए और इन्जॉय कीजिए रेसिपी तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफिज़ खुश रहें और ख़ुशियाँ बाँटें